हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जीरो कंडीशनल के बारे में। जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें से एक टाइप है जीरो कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा था पहले, उसमें दो क्लोज हो गए। कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होगी, एक मेन क्लोज, आप उसको रिजल्ट क्लोज भी बोल सकते हो, और दूसरा है कंडीशनल क्लोज। उसमें इफ, अनलेस या वैन भी हो सकता है। तो जीरो कंडीशनल की कंडीशन क्या है, उसका रूल्स क्या है? तो मेन क्लोज और कंडीशनल क्लोज दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ओके, तो हम जीरो कंडीशनल यूज करके कौन से सेंटेंस, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम जीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ्स, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, रिक्वेस्ट, रूल्स, रूटीन, हैबिट्स, प्रेफरेंस एट्सेट्रा। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, रिजल्ट ऑफ कंडीशन ऑलवेज सेम सर्टेन। तो मतलब क्या है, जो कंडीशन है वो पूरी हुई तो उसका रिजल्ट सेम आएगा, उसमें कोई अलग अलग रिजल्ट आते नहीं है। सपोज मैं ऐसा बोलूँगा कि आप बटर को फ्रीज के बाहर रखोगे तो क्या होगा, तो सबका आंसर सेम आएगा, इट मेल्ट्स, वो पिघलने लगेगा। तो इससे बोलते हैं सेम रिजल्ट, सर्टेन है रिजल्ट, तो वो ऑलवेज सेम रहता है। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अलग अलग एग्जाम्पल। तो ये देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ यू मिक्स रेड एंड वाइट कलर्स यू गेट पिंक। तो देखो वर्ब क्या है, मिक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इफ़ यू मिक्स रेड एंड वाइट कलर्स यू गेट पिंक। ओके, तो इसको जीरो कंडीशनल बोलेंगे, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका रिजल्ट है सर्टेन है। आप रेड और वाइट को मिक्स करोगे तो कोई दूसरा कलर नहीं बनेगा, येलो नहीं बनेगा। आप इंडिया में मिक्स करोगे, यूएसए जाके मिक्स करोगे तो बनेगा तो पिंक ही, तो रिजल्ट सेम है। इफ यू बर्न फायर क्रैकर्स दे प्रोड्यूस स्मोक, आप फटाके जलाओगे तो धुआं निकलेगा। आप जो लीव से पत्ते उसको बर्न करोगे तो भी धुआं निकलता है। दूसरा ये देखो, इफ यू आर इन ऑफिस डोंट यूज मोबाइल। तो इसके अंदर कोई जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, रूल्स बताए, रूल्स एंड लॉज के आपको ऐसा करना है। अगर आप ऑफिस में हो तो मोबाइल यूज नहीं कर सकते, इफ यू आर इन ऑफिस डोंट यूज मोबाइल। तो ये हो गया रूल्स। अब ये देखो, इफ यू कीप स्टमक एम्प्टी फॉर लॉन्ग इट लीड्स टू एसिडिटी। तो ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट। तो ऐसा करने से ऐसी इफेक्ट आएगी, ये इसका रीजन है। तो कोज क्या है, स्टमक खाली रखोगे तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, एसिडिटी। इफ यू कीप स्टमक एम्प्टी फॉर लॉन्ग इट लीड्स टू एसिडिटी, हो गया। अभी देखो इस सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट देखने की मिलेगी, रिक्वेस्ट है लेकिन कंडीशन के साथ ही, खाली रिक्वेस्ट नहीं है। इफ यू गो पास्ट द अमूल पार्लर गेट बटर फॉर मी प्लीज। इफ यू गो पास्ट द अमूल पार्लर गेट बटर फॉर मी प्लीज, अगर आप अमूल पार्लर के पास से गुजरो तो मेरे लिए बटर लेके आना। तो देखो दोनों में गो और इधर है गेट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसीलिए वो जीरो कंडीशन है। कंडीशन तो है, इफ वाला वर्ड है ना, कंडीशन वाला वर्ड, इफ क्लोज हो गया। अब ये देखो इंपेरेटिव, पहला जो कंडीशनल क्लोज है, इफ यू सी प्रीसा, अगर आप प्रीसा को देखो या तो मिलो, आस्क हर टू मीट मी, उसे बोलना मेरे को मिले, तो ये आस्क हर टू मीट मी वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी इंपेरेटिव सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी कंडीशन के साथ आता है।
अगर आप किसी को बोलोगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस जाओ तो मेरा लेटर ड्रॉप कर देना, तो ये हो गया ना रिक्वेस्ट। अब देखो इसमें प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, और इसमें मैंने वैन यूज़ किया है तो वैन भी कंडीशन दिखाता है। तो इफ वाले हमने सब लिए, इसमें देखो वैन लिया है मैंने। वैन आई मेक भाजी पाव, जब मैं भाजी पाव बनाता हूँ, आई प्रीफर अमूल बटर, मैं उसके अंदर अमूल बटर ही यूज़ करता हूँ, मतलब प्रीफर करता हूँ। तो ये हो गया प्रेफरेंस। ये देखो जनरल ट्रूथ, इफ स्टूडेंट स्टडी वेल देयर पेरेंट्स आर हैप्पी, अगर चिल्ड्रन या तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके टीचर्स पेरेंट्स हैप्पी होते हैं ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। इफ चिल्ड्रन स्टडी वेल देयर पेरेंट्स आर हैप्पी, इतनी महंगाई में आई भी वो पे करते हैं, तो आप अगर अच्छा पढ़ोगे तो वो खुश होगे। आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप पापा को बोलोगे फर्स्ट रैंक आया, पापा गुस्सा हो जाएंगे, नहीं होगे ना, हैप्पी होगे ना। तो ये जनरल ट्रूथ है। ये देखो साइंस रिलेटेड और जनरल ट्रूथ, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई, आप प्लांट को पानी नहीं दोगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है, जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सराउंडिंग बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप खिलौने से बैटरीज निकाल दोगे तो वो काम करता बंद हो जाएगा, तो हो गया ना जीरो कंडीशनल। फिर पानी को उबालोगे 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, तो ये सब जीरो कंडीशनल में आता है, लेकिन उसका रिजल्ट सेम रहता है। पानी को आप फ्रीजर में रख दोगे तो क्या होगा, बर्फ बन जाएगी ना, तो सबके लिए रिजल्ट सेम है। तो अब आपका जीरो कंडीशनल का आइडिया आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इतने एग्जांपल सफिशिएंट है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।